हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज द एनिमी लेसन की नेक्स्ट क्लास में हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। देखो इस बुक में पेज नंबर 91 पे, पेज नंबर 91 पे लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन लॉन्ग क्वेश्चंस का मैं एक ही जनरल क्वेश्चन लिखा रहा हूं आप लोगों को। मान लो उनमें से किसी एक क्वेश्चन पे आ जाता है तो उससे संबंधित आप एक दो लाइन और लिख देना, उसमें ऐड कर देना, और जो उससे संबंधित बातें नहीं हो वो उससे निकाल देना। बाकी सब क्वेश्चंस को मिलाकर मैं एक ही आंसर लिखा रहा हूं, और जनरली वही बातें लिखी जाती हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना सा ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन को पूछा गया है पेपर में उससे संबंधित लाइंस जो हैं वो आप उसमें रखना, या एक दो लाइन अपनी तरफ से और बना के रख देना। बाकी आंसर लगभग लगभग सेम ही होते हैं, वो मैं आपको लिखा रहा हूं। 91 पेज पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सबका एक ही जनरल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन, और आंसर में मैं लिखा रहा हूं सभी का एक ही। इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार गेट्स वॉश्ड अवे एट द doorstep step of a Japanese doctor, Japanese doctor Sadao। The choice is very hard for the doctor and his wife. The choice is very hard for the doctor and his wife. Should they hand him over to the police? Or save him from dying? क्या लिखा है इसमें? इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वार का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, प्रिजनर ऑफ वार युद्धबंदी, कैदी, एक अमेरिका का प्रिजनर जो है वो, कैदी जो है वो, गेट्स वास्ट अवे, बहकर आ जाता है एट द डोर स्टेप, दरवाजे पर, सीढ़ियों पर, ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, एक जापानीज डॉक्टर के, सदाओ जिसका नाम है। द चॉइस इज वेरी हार्ड, चॉइस बड़ी मुश्किल है, फॉर द डॉक्टर एंड हिज वाइफ, डॉक्टर और उसकी पत्नी के लिए। शुड दे हैंड हिम ओवर, हैंड ओवर का मतलब सौंप देना, क्या उन्हें सौंप देना चाहिए उसे, टू द पुलिस, पुलिस को, और सेव हिम फ्रॉम डाइंग, या फिर मरने से बचाना चाहिए, यह उनके दिमाग में क्वेश्चन था। आगे चलते हैं।
बीइंग ए डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ, बीइंग ए डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ, बीइंग ए डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ नैरो प्रेजुडिसेस, नैरो प्रेजुडिसेस अबाउट एन एनिमी, अबाउट एन एनिमी, एक डॉक्टर होने के नाते, बीइंग ए डॉक्टर एक डॉक्टर होने के नाते, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, नैरो प्रेजुडिसेस, प्रेजुडिसेस होते हैं पूर्वाग्रह, अबाउट एन एनिमी एक दुश्मन के बारे में, ही गिव्स प्रियोरिटी, प्रियोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग मैन, एक डॉक्टर होने के नाते और जो संकीर्ण पूर्वाग्रह थे एक दुश्मन के प्रति, उनके बावजूद वह प्रियोरिटी देता है, वह महत्व देता है टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग मैन, एक मरते हुए व्यक्ति के जीवन को बचाने का। एज ए फाइनल सॉल्यूशन, एज ए फाइनल सॉल्यूशन As a final solution, he not only saves him, he not only saves him, but also helps him, also helps him in escaping to freedom, escaping to freedom। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में अपन ने क्या लिखा है, फर्स्ट पैरा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वार का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार गेट्स वास्ट अवे, बहकर आ जाता है एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, एक जापानीज डॉक्टर के दरवाजे पर, सदाओ, सदाओ जिसका नाम है, यहां पे आप कोमा लगा सकते हो। द चॉइस इज वेरी हार्ड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर के लिए चॉइस बड़ी मुश्किल होती है, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी के लिए भी। शुड दे हैंड हिम ओवर, क्या उन्हें उसे सौंप देना चाहिए, टू द पुलिस, पुलिस को, और सेव हिम फ्रॉम डाइंग, या फिर मरने से बचाना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, इन स्पाइट ऑफ नैरो प्रेजुडिसेस, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, नैरो प्रेजुडिसेस संकीर्ण पूर्वाग्रहों के बावजूद, अबाउट एन एनिमी एक दुश्मन के बारे में, ही गिव्स प्रियोरिटी, वह महत्व देता है, प्राथमिकता देता है टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग मैन, एक मरते हुए व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए। एज ए फाइनल सॉल्यूशन, एक अंतिम समाधान के रूप में, ही नॉट ओनली सेव्स हिम, वह उसे केवल बचाता ही नहीं है, बट ऑल्सो हेल्प्स हिम, परंतु उसकी सहायता भी करता है, इन स्केपिंग, बचकर जाने में, टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, जनरल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। आंसर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आए, हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर देना, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में एक दो लाइन और एड कर देना। अब सेकेंड पैरा लिखते हैं इसका। फर्स्ट पैरा में हमने लिखा है कि ऐसे ऐसे सेकंड वर्ड वार चल रहा है, और एक
अमेरिका का सैनिक जिसको जापान ने बंदी बना लिया था, वो जापान के एक डॉक्टर सदाओ के घर के सामने आ जाता है। उसकी पत्नी और उसके सामने बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वो उनका दुश्मन है, उसे पुलिस को सौंपना चाहिए या फिर बचाना चाहिए। और अंततः महत्व देता है डॉक्टर सदाओ एक मरते हुए व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए। उसके जीवन को बचाता ही नहीं है अपितु उसकी सहायता भी करता है वहां से बचकर निकल जाने के लिए। सेकंड पैरा, पैरा चेंज करके लिखेंगे, द स्टोरी द एनिमी, द स्टोरी द एनिमी रिमाइंड्स अस एजे क्रोनिंस बर्थ। 11th क्लास में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी बर्थ नाम से, जो एजे क्रोनिन की लिखी हुई है। उसमें भी एक डॉक्टर की ड्यूटी के बारे में है और इसमें उससे कंपैरिजन किया गया है, उसकी याद दिलाई गई। एक लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा है तो हमने उसमें लाइन ऐड कर दी। बोथ द स्टोरीज आर फिक्शन, बोथ द स्टोरीज आर फिक्शन, बोथ द स्टोरीज आर फिक्शन अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर। एज ए डॉक्टर सदाओ फॉलोड हिज ड्यूटी, एज ए डॉक्टर सदाओ फॉलोड हिज ड्यूटी। एक डॉक्टर के रूप में सदाओ ने अपनी ड्यूटी का पालन किया। इट डज नॉट मीन दैट He is not a patriot. इसका मतलब ये नहीं है कि वह एक देशभक्त नहीं है। पैट्रियोट देशभक्त। द जनरल बिकम्स केयरलेस, वो जनरल को बताता है बीच में जाकर, जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा था, और जनरल उसके प्रति केयरलेस हो जाता है। वो सेंटेंस यहां पे हम लिख रहे हैं, द जनरल becomes careless it does not mean that there is there is lack of national duty but due to simply self absorption and novels based on this on this
थीम टू शो हाउ मैन राइज अबो हाउ मैन राइज अबो नैरो सेंटीमेंट्स नैरो सेंटीमेंट्स ऑफ रेस एंड कंट्री रेस एंड कंट्री। देखो इसमें क्या लिखा है, अपन यहां से आगे देखते हैं। इट डज नॉट मीन दैट ही इज नॉट ए पैट्रियट, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर सदाओ एक देशभक्त नहीं है। द जनरल बिकम्स केयरलेस, और इस बात पर जनरल भी लापरवाह हो जाता है। इट डज नॉट मीन, इसका भी मतलब नहीं है, दैट देयर इज लैक ऑफ नेशनल ड्यूटी, की कमी है राष्ट्रीय ड्यूटी की, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की, ऐसा नहीं होता है। बट ड्यू टू सिंपली, परंतु होता है साधारणतया सेल्फ अब्सॉर्प्शन, सेल्फ अब्सॉर्प्शन का मतलब होता है सेल्फ में बिजी हो जाना, आप लिख सकते हो खुद में तल्लीन हो जाना, खुद में मग्न हो जाना, खुद के बारे में सोचना, इसकी वजह से थोड़ी सी वो दिक्कत हो जाती है, वो उसको नहीं अरेस्ट करवाता है। देर हैव बीन मैनी फिल्म्स, अब पूछा कि क्या आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी है, कोई आपने ऐसी पिक्चर या ऐसा कोई नॉवल पढ़ा हो, ऐसी पिक्चर देखी हो जो इसके बारे में, बहुत सारी पिक्चर्स हैं एक डॉक्टर की ड्यूटी के बारे में और उसके कॉन्शियस अंतरात्मा की आवाज के बारे में। यहाँ पे डॉक्टर सदाओ की अंतरात्मा कहती कि उसे दुश्मन के बारे में नहीं सोचते हुए एक व्यक्ति की जान बचानी चाहिए क्योंकि वो एक डॉक्टर है। देर हैव बीन मैनी फिल्म्स एंड नॉवल्स, बहुत सारे फिल्म और बहुत सारे नॉवल्स हुए हैं बेस्ड ऑन दिस थीम, इस थीम पे आधारित, इस विषय वस्तु पर आधारित। टू शो, ये दिखाने वाली थीम, क्या दिखा रही, इसकी क्या है थीम, हाउ मैन राइज, की कैसे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। अब वो ऊपर नैरो सेंटीमेंट, संकीर्ण भावनाओं से, संकीर्ण विचारों से, ऑफ रेस एंड कंट्री, जाति और देश के। देखो दूसरे देश का है, वर्ल्ड वार चल रहा है, दुश्मन का सैनिक है, परंतु उसके सेंटीमेंट्स क्या कहते हैं, सदाओ के सेंटीमेंट्स क्या कहते हैं कि उसे एक व्यक्ति को बचाना चाहिए बजाय इसके कि उसको दुश्मन को गिरफ्तार करवाना चाहिए। लास्ट टाइम लिखो, वन सच एग्जाम्पल इज, एक फिल्म का पूछा है, वन सच एग्जाम्पल इज हिंदी बॉलीवुड फिल्म अचानक, ऐसे ही अचानक पिक्चर जो हिंदी मूवी है उसमें एक डॉक्टर की कहानी है जो दुश्मन आ जाता है और उस दुश्मन को वो बचा देता है, हालांकि उसे बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है पर वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से पूरी करता है। देखो इसमें अब ये लास्ट पैरा, द स्टोरी द एनिमी रिमाइंड्स अस, द एनिमी कहानी हमें याद दिलाती है एजे क्रोनिन्स बर्थ, एजे क्रोनिन की स्टोरी बर्थ के बारे में, बर्थ में वो डॉक्टर किस प्रकार से बच्चे को और उसकी माँ को बचाता है बर्थ के समय, पहले वो बच्चे का ध्यान देता है फिर माँ को बचा लेता है और अपनी ड्यूटी पूरी करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सदाओ अपनी ड्यूटी पूरी करता है। बोथ द स्टोरीज आर फिक्शन, दोनों ही कहानियां फिक्शन के रूप में है, कहानी के रूप में है, अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की ड्यूटी के बारे में, एज ए डॉक्टर सदाओ फॉलोड हिज ड्यूटी, एक डॉक्टर के रूप में सदाओ अपनी ड्यूटी निभाता है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट ही इज नॉट ए पैट्रियट, कि वह एक देशभक्त नहीं, अपनी ड्यूटी निभाता है वो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक देशभक्त नहीं है। द जनरल बिकम्स केयरलेस, और जनरल हो जाता है लापरवाह। इट डज नॉट मीन दैट देयर इज लैक ऑफ नेशनल ड्यूटी, इसका मतलब भी नहीं है कि राष्ट्रीय ड्यूटी की कमी है। बट ड्यू टू सिंपली, परंतु ऐसा होता है कि वजह से, सामान्यता सेल्फ अब्सॉर्प्शन
आत्म तल्लीनता की वजह से, खुद में ही मगन होने की वजह से। देर हैव बीन मैनी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में हुई हैं। देखो फिल्म वाला जो पूछा गया है उसमें ये लाइन अपन ऐड कर देंगे, यदि वो नहीं पूछते तो इसको रहने देंगे। देर हैव बीन मैनी फिल्म्स एंड नॉवल्स, बहुत सारी फिल्म और बहुत सारे नॉवल हुए हैं बेस्ड ऑन दिस थीम, इस थीम पर आधारित। टू शो, दिखाने के लिए। हाउ मैन राइज अबो, कि कैसे व्यक्ति ऊपर उड़ जाते हैं। नैरो सेंटीमेंट्स, संकीर्ण भावनाओं से। ऑफ रेस एंड कंट्री, राष्ट्र की और जाति की। वन सच एग्जाम्पल इज हिंदी बॉलीवुड मूवी, ऐसा एक उदाहरण है हिंदी बॉलीवुड मूवी अचानक। आज की क्लास में ये लॉन्ग क्वेश्चन ही करेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जनरल क्वेश्चन लिखाया है, ये पेज नंबर 91 पे आए किसी भी क्वेश्चन के आंसर में हो सकता है। थोड़ा सा आप उसका आंसर लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बातें ज़्यादा लिखेंगे, और उससे संबंधित नहीं है उन बातों को हम ड्रॉप कर देंगे और अपनी तरफ से दो चार लाइन उसमें और ऐड कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे इसके कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।